गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स रोज। सो नाउ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जैसे मान लेते हैं जिस प्राइस में किसी सामान को बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, और जिस प्राइस में जाकर के हम लोग कोई चीज़ को खरीदते हैं, किसी आर्टिकल को खरीदते हैं, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस जो होगा उसको हम लोग CP से रिप्रेजेंट करते हैं, CP से। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है ना। परचेजिंग प्राइस या बाइंग प्राइस भी बोल सकते हैं, या जिसमें हम लोग बाई करते हैं कोई सामान को, बाइंग प्राइस। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। और दूसरा टर्म आ रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस आर्टिकल को हम लोग किसी आर्टिकल को हम लोग जो बेचते हैं या दुकानदार बेचता है तो उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, बेचने वाला प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब है कि सेलिंग प्राइस से वर्ड ही से पता चल रहा है कि बेचने वाला प्राइस। तो अब हम लोग का पता चला कि कौन कौन बेचता है। देखिए मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर जो उत्पादक है, जो किसी भी चीज़, जैसे मान लेते हैं राइस का मैन्युफैक्चरर है, राइस का, ठीक है, तो वो जो है होलसेलर को बेचता है ना, होलसेलर को बेचता है, ठीक है। होलसेलर जो है रिटेलर को, होलसेलर से रिटेलर खरीदता है, या होलसेलर को रिटेलर जो होता है, जो घर खुदरा दुकानदार, तो होलसेलर से रिटेलर खरीदता है, और रिटेलर से कंज्यूमर खरीदता है। कंज्यूमर मतलब हम और आप, कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर है ना, या कस्टमर भी बोल, कंज्यूमर भी बोलिए या कस्टमर भी बोलिए, जो कष्ट से मरता है ना, रिटेलर है ना, स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, देख लीजिएगा रिटेलर के स्पेलिंग कहीं है ना। तो खैर ये हुआ, ये प्रोसेस होता है। अब मान लेते हैं कि किसी सामान को हम कोई बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो उसमें प्रॉफिट होगा। मान लेते हैं एक मोबाइल लिए 10,000 में और उसको बेच दिए 15,000 रुपये में, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मतलब लाभ बोलते हैं हिंदी में। प्रॉफिट इन रुपीज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको लर्न कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, प्रॉफिट इन रुपीज बराबर yes। अब इसी में प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट जो है हम लोग का 100 रुपीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कहेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है ना। तो ये होगा आपका। अब सपोज कीजिए कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब हम लोग का लॉस हुआ। किसी सामान को खरीदे 5,000 में, बेच दिए 4,000 में, तो 1,000 का लॉस हो जा रहा है। तो लॉस इन रुपीज़ जो होगा ये CP माइनस SP होगा। जब भी लॉस हो गया तो CP बड़ा हो जाता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, तो ये आपका ये होगा। अगर लॉस परसेंट निकालने बोल रहा है, अगर आप चलिए ज़्यादा बीच मत बोलिएगा है ना, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस
इंटू 100 बाय सीपी, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो इसलिए देखिएगा प्रॉफिट परसेंट वाला में भी आपका डिवाइडेड बाय सीपी है, और लॉस परसेंट वाला में भी लॉस इंटू 100 बाय सीपी है, ये है आपका जा करके। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो एक फार्मूला बताते हैं, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, पी हम लिख रहे हैं फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। पी परसेंट का मतलब आप लोग समझिएगा प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो मतलब तीन अननोन क्वांटिटी है, कोई भी दो दिया हुआ है, तो थर्ड हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग लर्न कर जाइएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब नेक्स्ट फार्मूला जो है इससे रिलेटेड, इसको ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस एल परसेंट हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। यहाँ मेंशन कर देंगे एल परसेंट का मतलब लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं, इसमें भी देखिए तीन अननोन क्वांटिटी है, एक तो सेलिंग प्राइस, एक तो कॉस्ट प्राइस, एक तो लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो लॉस परसेंट इसमें निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ये हुआ अब है ना। अब हम लोग कहते हैं, देखिए हम सारा फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं पहले, ताकि फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए एक प्राइस होता है, जब आप कोई सामान मान लेते हैं मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए कपड़ा खरीदने गए आप मार्केट में, ठीक है, तो कैटलॉग उसमें एक ठो कागज, कड़ा कागज का कैटलॉग मिलेगा, और उसमें लिखा रहेगा उसका प्राइस, और उसमें साइज वगैरह सब लिखा हुआ रहता है। आप देखे होंगे जींस पैंट खरीदने गए या ब्रांडेड कहीं गए, तो उसमें जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो मार्क्ड प्राइस कहते हैं। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड मतलब जो लिखा हुआ है, मार्क्ड प्राइस मतलब जो प्राइस, प्राइस मार्क्ड, मार्क्ड मतलब लिखा होना, मार्क्ड रिटेन, रिटेन इन, रिटेन इन एन आर्टिकल। आर्टिकल में आपको बहुत सारा सामान, जितना भी आर्टिकल्स में जो भी प्राइस मार्क्ड है, उसको हम लोग मार्क प्राइस कहेंगे। मार्क प्राइस को सिंपली हम लोग एमपी लिख देंगे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझ जाइएगा, एमपी है ये, एमपी, एमपी का मतलब मार्क प्राइस। इसका दूसरा नाम है कैटेलॉग, कैटेलॉग, कैटेलॉग प्राइस, है ना, कैटेलॉग प्राइस भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका तीसरा नाम है लिस्टेड प्राइस, है ना, आप देखिएगा कोई नहीं इतना डिस्कस करेगा, लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है को, तो देखिएगा इन जनरल जब सेल वगैरह लगता है, तो बोलेगा कि हम दुकानदार लोग ऑफर निकालेगा कि हाँ भाई हम लोग जो है इसमें 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई में 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो प्राइस मार्क प्राइस को बढ़ा के उसमें डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद डिस्काउंट से आप सोच रहे हैं कि हमको इतना प्रॉफिट हो गया, हमको इतना कम लगा, 10,000 रुपया का जींस का पैंट था, उसमें डिस्काउंट दे दिया 2,000 रुपया, 8,000 रुपये में आप खरीद करके ले आए। आप सोच रहे हैं 2,000 रुपये हम बचा लिए हैं, लेकिन दुकानदार जो है वो 10,000 रुपये जो है मार्क प्राइस बढ़ा करके रखा है, और 2,000 उसमें डिस्काउंट देने के बाद भी 8,000 रुपये में सपोज कीजिए आपका 3,000 का फायदा
ले लिया है 5,000 का, वो सामान कॉस्ट प्राइस था, तो समझ लीजिए दुकानदार तो आपको मार्क प्राइस बढ़ा करके मार्क प्राइस का वैल्यू बढ़ा दिया है और उसके बाद डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज टेकन ऑन मार्क प्राइस। ओके, तो नाउ हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट को हिंदी में छूट भी बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्काउंट, फिर आवाज आ रहा है ना। नाउ 10th फॉर्मूला है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट। डिस्काउंट मतलब छूट, छूट देना है ना। तो डिस्काउंट इज गिवेन, जो दे दिया जाता है, डिस्काउंट इज गिवेन इन टर्म्स ऑफ, किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट दिया जाता है ना। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट दिया जाता है। एंड इट इज ऑलवेज ऑलवेज गिवेन, इट इज ऑलवेज गिवेन ऑन मार्क्ड प्राइस, ये मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, डिस्काउंट अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट इन रुपीस, इन रुपया है ना। तो डिस्काउंट रुपया में निकालने के लिए मार्क प्राइस माइनस जितना में सेल किया है दुकानदार, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, यहाँ पर एस एस पी का मतलब हो गया सेल प्राइस, सेल PRIC प्राइस। तो मार्क प्राइस में सेल प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्काउंट इन रुपीज आ जाएगा। आ जाएगा। अब हम लोग डिस्काउंट का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो निकालना है। सपोज कीजिए कि डिस्काउंट परसेंट है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला बन जाता है, करीब 12-13 फॉर्मूला बनता है। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, सारा को दिमाग में आपको रिस्टोर करके रखना है, जैसे हार्ड डिस्क में रिस्टोर करके रखते हैं ना। डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉफिट लॉस लॉस एंड डिस्काउंट, ये प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, ठीक है। सो यू जस्ट सी इट व्हाट द क्वेश्चन सेज। हियर इट इज गिवन इन द एग्जाम्पल, सोहन बाउट बाउट, सोहन बाउट पास्ट टेंस का सेंटेंस है आपका। सोहन खरीदा था ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 2,500, जिसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका रेफ्रिजरेटर का 2,500 है। एंड स्पेंट 500 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर, चूंकि सेकेंड हैंड था तो उसको रिपेयर करवाना होगा, तो रिपेयर कराने के लिए 500 रुपया रिपेयर कराया है। तो जो एक्स्ट्रा मनी यूज किया उसको रिपेयर कराने के लिए, वो भी कॉस्ट प्राइस में जुट जाएगा। इस रिपेयरिंग कॉस्ट को ओवरहेड्स कहेंगे, ठीक है, ओवरहेड ये एक्स्ट्रा। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 3,300, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहन खरीदा है एक रेफ्रिजरेटर 2,500 रुपया में, और उसको रिपेयर कराने के लिए 500 रुपया का खर्च हुआ है, और उसको फिर बेच दिया है, सेल कर दिया है 3,300 में, तो उसको कितना लॉस या गेन हुआ है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सोहन जो खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया रेफ्रिजरेटर का, वो
2500 500 हुआ, फिर बोल दियो तुम, है ना। ओवरहेड जो है, ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब हुआ क्या, रिपेयरिंग कॉस्ट। सर, ओवरहेड ओ एक्सपेंस। सुनाओ, ओवरहेड में हम लोग का आया रिपेयरिंग कॉस्ट, है ना, कॉस्ट जो है रिपेयरिंग का जो है आया है 500 रुपीज, और सेलिंग प्राइस, इसलिए टोटल कॉस्ट प्राइस अब हो गया आपका 2500 प्लस 500, यानी आपका 3000 रुपीज, ठीक है। यस सर, 3000 रुपीज टोटल हो गया, यस इसलिए कि सर, रिपेयरिंग में खर्च हुआ था। यस सर, अब बीच बीच में यस सर नहीं बोलिएगा प्लीज, है ना, उससे डिस्टर्ब होंगे दूसरे बच्चे, है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा अब सेलिंग प्राइस, जब दिक्कत होगा तो बताएंगे, है ना। सेलिंग प्राइस जो है इसको बेचा है 3300 रुपये में, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस है, तो उसमें कौन बड़ा है, इसमें देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, 300 रुपया ज़्यादा है इसमें, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, माइनस नहीं प्रॉफिट हो रहा है ना, इसीलिए बोलते बीच में नहीं, है ना। अब प्रॉफिट इन रुपीज निकालेंगे, है ना, प्रॉफिट इन रुपीज, तो प्रॉफिट इन रुपीज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में आप ओवरहेड ऐड वाला ही कॉस्ट प्राइस को घटाइएगा, तो 3300 माइनस 3000 हो गया, तो इसमें 300 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, सपोज कीजिए प्रॉफिट परसेंट, तो फार्मूला याद रखिएगा, इट इज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, है ना। तो 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब कॉस्ट प्राइस में आप किसको लिखेगा, 2500 को लिखेगा या 3000 को लिखेगा, तो हमेशा 3000 को लिखेगा, इसको ध्यान रखेंगे, है ना, ओवरहेड में। तो ये 3000 यहाँ पे लिख देते हैं, ये 3 0 यहाँ से कटा और यहाँ 30 से, यहाँ 10 टाइम्स, तो यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट, यस सर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एन यस सी ई सर, आर टी बुक, इन द एग्जाम्पल इट इज गिवन, ओके। तो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। थैंक यू, बाय बाय।